कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी एकजुटता से उत्साहित बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना आते ही केंद्र और राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। आरजेडी की भूमिका पर जेडीयू के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आरजेडी को जेडीयू से सीख लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को पलटी मार चाचा बताया। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर तेजस्वी मोदी सरकार पर जमकर बरसे। विपक्षी एकजुटता पर बीजेपी के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा बीजेपी को विपक्षी एकजुटता चुभ रही है। प्रधानमंत्री जी शतक के करीब हैं और जितने भी दर्शक दीर्घा में जितने भी हमारे दर्शक जो बैठे हुए हैं जो जनता है वो परेशान है, आंखों में आंसू आए हुए हैं और लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। करें वो उनका काम है, बनता है बिगड़ता है। हम लोगों के साथ जिस प्रकार से जनता हमारा साथ दे रही है हमें पूर्ण विश्वास है, चाहे कुछ भी ये भाजपा के लोग करें या चाचा जी करें, बिहार की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। तेजस्वी यादव विपक्षी एकजुटता से उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा की माने तो देश के तमाम विरोधी दल के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सभी पार्टियां मिलकर भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। आश्चर्यजनक जो कांग्रेस 3-2 सिमट कर 2 राज्यों में हो गया और जो भाजपा 21 राज्यों में अपनी सरकार चला रही है वहाँ सारे वे नेता इकट्ठा हो गए जो पिटे हुए मोह गए हारे हुए हैं और इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर और इतना बड़ा अहंकार। एक कर्नाटक की सरकार सिर्फ बना लेने से इतना बड़ा अहंकार कि नरेंद्र मोदी को जिसकी 21 राज्यों में सरकार है उसको चुनौती देने हराने की बात कर रहे हैं, जिसकी अपने ताकत पर बहुमत है उसको हराने की बात, इतना बड़ा अहंकार, ये अहंकार है। उन्होंने झारखंड में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाने की मांग की। बीजेपी को डर है जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें विरोधी दल गड़बड़ी कर सकते हैं, जिसके बाद बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से सभी बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की है। मामले को लेकर बीजेपी ने निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव पदाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन हम लोग दिए हैं। उस ज्ञापन में है कि 85 जो बूथ है संवेदनशील बूथ है या वैसे बूथ जो नक्सल एरिया में हैं और अन्य पार्टियों द्वारा कुछ पार्टियों द्वारा एक कब्जा भी किया जाता है, तो ऐसे बूथ का जो लिस्ट है हमने चुनाव मुख्य चुनाव पदाधिकारी को सौंपा है ताकि वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स का डेपुटेशन हो सके जिससे लोग बिना डर भय के वहाँ पर अपना मतदान कर सके और ज़्यादा टर्नआउट हो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बिहार क्या है, बिहार की राजनीति में इस दौरे को लेकर बहस शुरू हो गई है। भागवत अपने 3 दिवसीय दौरे पर मशगूल हैं, वहीं विपक्ष सरकार और भागवत दोनों पर जुबानी हमला बोल रहा है। रिपोर्ट देखिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर बिहार में, बिहार के नवादा में संघ के स्कूल के कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। मोहन भागवत बिहार आए और बिहार में सियासी बहस ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है। विपक्ष भागवत दौरे पर सवाल खड़े कर रहा है, सीधे आरोप लगाया है जब जब भागवत बिहार आए हैं बिहार में दंगे भड़के हैं। हिंदुस्तान का संविधान अलाउ करता है कि कोई भी आदमी कहीं जा सकता है, प्रशिक्षण दे सकता है, प्रशिक्षित हो सकता है, लेकिन कुछ पूर्वोदाहरण भी देखा गया है। इसके पहले भी मुजफ्फरपुर वगैरह में गए थे, 7 दिन 8 दिन रह के गए थे और उनके जाने के 2-4-10 दिन के बाद रामनवमी का पर्व आया था, देखा गया होगा कि बिहार उसमें लग रहा था कि जल रहा है, सब जगह कुछ न कुछ बातें हो रही है। इसलिए कि हमको उस समय मालूम छोटे छोटे टाउन में कहा भाई तो 2000 तलवारें बांटे गई थी, 4000 तलवारें बांटे गई, इस तरह का माहौल हो चुका है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि उनको आने से कोई रोके नहीं। अक्टूबर 2017 के बाद मोहन भागवत का ये 4th बिहार दौरा है। अक्टूबर में आरा के एक यज्ञ में नीतीश और मोहन भागवत एक साथ मंच पर नजर आए थे और नीतीश ने भागवत की जमकर प्रशंसा भी की थी। बिहार बीजेपी भागवत के दौरे को राष्ट्र और बिहार के हित से जोड़कर देख रही है। उनका कहना है कि आरएसएस प्रमुख ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। मोहन भागवत जी पर आरोप लगा सकते हैं क्योंकि पूरी कुर्बानी दी है आरएसएस जब से खड़ा हुआ है,
तब से राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्रीय चेतना के लिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण के लिए संघ ने अपने को सर्वस्व न्योछावर पर छोड़ा है। चाहे पंजाब की एकता का हो, चाहे आपने देखा होगा 71 में पाकिस्तान की लड़ाई हिंदुस्तान से हो रहा था, संघ के लोगों ने समर्पण भाव से सिविल पुलिस का, ये किसी को नैतिक ताकत नहीं है कि संघ पर आरोप। कभी भागवत की धुर विरोधी रही जेडीयू अब भागवत दौरे को सांस्कृतिक और सामाजिक दौरा बता रही है। विपक्ष पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया है। कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए बेवजह भागवत के दौरे को तूल दिया जा रहा है। आरएसएस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, उसके सरसंचालक है मोहन भागवत जी, वो दौरे पर आए हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य के लिए। उनके दौरे को इस तरह से राजनीतिक रंग दे करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना ये उचित नहीं है। वो अपने दौरे आएंगे, अपने वो लोगों से मिलेंगे, अपना वो सामाजिक कार्य और सांस्कृतिक कार्य में अपना करेंगे, संगठन का कामकाज देखेंगे और अपने चले जाएंगे। अब उनको किसी से जोड़ करके अपने राजनीतिक तीर चलाना और शिकार करना, हमें लगता है कि जहाँ पे जिन पार्टियों को मुद्दों का अकाल है, कोई सकारात्मक मुद्दे मिलते नहीं राजनीति करने के लिए, तो ऐसे मुद्दे उठाते हैं। मोहन भागवत जी आकर के यहाँ पर क्या करेंगे? वो अपने संगठन का कामकाज देखेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, जो संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन अपना सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य करती है करेंगे। दरअसल में मोहन भागवत बिहार में कमजोर हो चुके आरएसएस के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। विपक्ष आरएसएस प्रमुख के दौरे को राजनीतिक चश्मे से देख रहा है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। रिपोर्ट साधना न्यूज। झारखंड राज्य वन जीव बोर्ड की 10वीं बैठक मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई। झारखंड मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने वन विभाग को औषधियों की जानकारी के लिए बुजुर्गों की मदद लेने की बात कही। मुख्यमंत्री ने वन्य जीव बोर्ड को शोध कर उत्पादन बढ़ाने और मार्केटिंग की व्यवस्था करने का आदेश दिया। इससे न केवल लोगों की आमदनी बढ़ेगी, साथ ही बीमारियों का भी इलाज हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने बोर्ड बैठक साल में दो बार करने का आदेश देते हुए कहा कि वन्य जीव बोर्ड ऐसी योजनाएं बनाए जिससे आम लोगों को लाभ मिल सके। बैठक में कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रघुवर दास पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम फ्रस्ट्रेशन में है, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, रघुवर दास को चुनाव के समय ही विकास की याद आती है। आपको बता दें, बुधवार को सीएम रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा था कि हेमंत सोरेन जब अपने बाप भाई के नहीं हुए तो झारखंड के क्या होंगे। बावजूद जिस प्रकार का हार मिलता है उसके कारण जो है कि अब क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे सब कुछ भूल गए हैं, इसलिए इस तरह की बातें हैं। ये तो वाचालता है, राजनीतिक वाचालता छोड़कर और कुछ है नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री, हाँ जरूर किस्मत उनकी अच्छी थी कि एक बाहरी आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब किसी बाहरी को झारखंड में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाएगा राजनीति के क्षेत्र। हम लोग देख ही रहे हैं ना, लिट्टीपाड़ा में भी तो विकास हुआ था। देखिए, चुनाव के समय ही विकास नजर आता है, उसके अलावा कहाँ जाते हैं। तो इसलिए आने दीजिए, उनको आके जाने दीजिए, उसके बाद 25 को आ रहे हैं, 28 को उनको जवाब। गंगा दशहरा के मौके पर दामोदर महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लोहरदगा के चूल्हा पानी में किया। वहीं शाम को रामगढ़ में गंगा आरती में मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल रहे। इस बात की जानकारी जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सह झारखंड सरकार के मंत्री सरयू राय ने जमशेदपुर में दी। इस महोत्सव में पूजा, आरती, संगोष्ठी और देवनंद दामोदर को प्रदूषण से मुक्त रखने का संकल्प भी लिया गया। वहीं इस मौके पर करीब 20 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास व परिसंपत्ति का वितरण किया गया। जिसको नदी को हम माँ इसीलिए कहते हैं, आज हम देखते हैं जितने भी नदी, दामोदर, गोदावरी, ऐसे 2000 नदी को छोड़ करके जितने भी नदियाँ हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, सुवर्णरेखा, जितनी भी नदियाँ हैं सब के माताओं के नाम पर है। माता इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके बिना हम ना खेती कर पाएंगे, ना उद्योग कर पाएंगे, ना कोई भी जल के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज, लेकिन हर नदी, केवल गोदावरी नदी नहीं, जितने भी नदियां हैं सब आज असुरक्षित अवस्था में है। जिस पानी को हम पीते थे, जिस पानी को हम खेतों में व्यवहार करते थे, आज
उसी पानी प्रदूषित है। जितने जल जीव है सब जल जीव